नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चुनावी साल में सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी जो है और उनके जो सांसद हैं, मंत्री और तमाम विधायक सभी अब विकास कार्य गिनाने के लिए आमजन के बीच पहुंच रहे हैं। और इसी बीच प्रशासनिक अमले के साथ सत्तारूढ़ दल के नेता और कार्यकर्ता जनता के दरबार में पहुंचकर अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच गिनवा रहे हैं। इस विकास यात्रा का शुभारंभ संत रविदास जयंती से किया गया और इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी विकास यात्रा की और उनकी विकास यात्रा की कुछ झलकियां अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने शेयर की हैं, जो कि हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। रोड का निर्माण 15 लाख रुपए इसके लिए भी स्वीकृत करके जा रहे हैं। बुद्ध विहार परिसर में सौंदर्यीकरण और प्रतिमा लगाएंगे, 12 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत करके जा रहे हैं। और जो हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, इसकी बाउंड्री वॉल का निर्माण और पेवर ब्लॉक लगाएंगे, इसके लिए 8 लाख रुपए स्वीकृत कर रहे हैं। ऐसे आज लड़ाई में 63 लाख रुपया हम स्वीकृत करके जाए। मलबार पुलिस थाना में मोबाइल चोरों का आतंक इस वक्त जारी है। इन चोरों को टारगेट जो है खासतौर पर अपार्टमेंट के गेट पर सोए सिक्योरिटी गार्ड और खुले में सोए गरीब लोग थे। मलबार हिल पुलिस थाने में तैनात एपीआई घनश्याम बोरसे ने पुलिस टीम के साथ सीसीटीवी की मदद से 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस की पूछताछ में इन चोरों ने मलबार हिल और गाब देवी और ताड़देव एरिया में मोबाइल चोरी की बात को कबूल किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं चैताली हिमांशु जवेरी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। कहा जाता है कि जहां से गुनेगारों की सोच खत्म होती है, पुलिस की सोच वहीं से शुरू होती है। आज इसका श्रेष्ठ उदाहरण दिया है मुंबई की मलबार हिल पुलिस स्टेशन की पूरी पुलिस टीम ने। हजारों रुपए की चोरियां, मोबाइल की चोरियां, गरीबों से, आम जनता से चुराए हुए मोबाइल का एक पूरा रैकेट उन्होंने अपनी सतर्कता और सूझबूझ से पकड़ लिया है। आइए जानते हैं, हमारे साथ है घनश्याम बोरसे जी, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है और जानते हैं इसके बारे में। मुंबई पुलिस ने अपनी सतर्कता और सूझबूझ का बहुत अच्छा प्रमाण दिया है। एक गैंग जो हजारों रुपए के मोबाइल हर रोज चोरी करती थी, उसी ऑपरेशन को उन्होंने लीड किया है और सारे चोरों को धर दबोचा है। हमारे साथ है घनश्याम सर। घनश्याम जी, बोरसे जी, हमें प्लीज़ बताइए कि आपने इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया है। मैडम, मलबार एरिया में और गावदेवी एरिया में जो अपार्टमेंट है, जो जिधर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर है, जो टैक्सी में ही सो जाते हैं, और जो कोई कुछ लोग ऐसे जिनके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पे सोते, जो ऐसे लोग हैं, इनको रात को 12 बजे के बाद 2-3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आकर उनके सोने का फ़ायदा उठाकर जो उनके जो मूल्यवान चीज़ें हैं या मोबाइल फ़ोन से, ऐसे चोरी करने का सिलसिला पिछले 2 महीने से चल रहा था। और मलबार एरिया में रहने वाले गरीब लोग, जो सिक्योरिटी गार्ड, टैक्सी ड्राइवर और अन्य लोग, ये परेशान हो गए थे। और इन्होंने दिए FIR के तहत हमने कंप्लेंट भी नोट किया था, लेकिन इनके जो आरोपी हैं वो मिल नहीं रहे थे। इनमें हमारे पुलिस ऑफिसर PSI परीट, मैं खुद और मेरा जो स्टाफ है उसमें हवलदार कोकनी, हवलदार भगत, हवलदार तड़वी, ऐसे हम जी जान लगा के इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और पूरे एरिया के CCTV फुटेज तलाश रहे थे। CCTV फुटेज और हमारे खबरी जाल के मार्फत से हमको हाजी अली दरगाह ताड़देव एरिया में, इसमें के जो चोरी करने वाले जो लोग हैं वो उधर छुपे हैं, ऐसी मालूमात मिली। उस मालूमात के जरिए हमने उधर जाके एक ध्यान रखा, तो हमको 2 चोर मिले। वो 2 चोर को हम
पकड़ के धर दबोच के पुलिस चौकी लेके आए और उनके पास हमने जो मोबाइल चोरी के जो हमारे रजिस्टर FIR है उनके तहत उनके इन्वेस्टिगेशन किया तो वो सभी मोबाइल चोरी के मैटर में वही चोरों ने मोबाइल चोरी किया था ऐसा प्रूफ हुआ। और उसके आधार पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो वो जो मोबाइल चोरी का जो पैसा था वो अपने नशे पानी में खर्च करते थे ऐसा उन्होंने बताया है। और उनके और भी दोस्त है जो उनको ये गुनाह में साथ देते हैं ऐसा हमको मालूम चली है, उनको भी हम ढूंढ रहे हैं। और इन्होंने जो मोबाइल जिधर बेचा है उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। तो शायद इस धरपकड़ के बाद लोगों में बहुत राहत की सांस आई होगी। चोरियों में क्या वारदातों में कमी हुई है सर? हाँ हाँ बिल्कुल सही, जब से हमने ये चोरों की गैंग पकड़ी है तब से मलबाइल और गावदेवी जो एरिया है वो एरिया में मोबाइल चोरी का बहुत कम हो गई है। जब से हमने चोरों को पकड़ा है एक भी केस आया नहीं है अभी तक। तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि क्राइम रेट यहाँ पे कम हो रहा है और आगे भी हम पुलिस से यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से काम शुरू रहेगा, आगे और भी अच्छी तरह से इसकी जांच होगी। क्योंकि आपने कहा जैसे कि इसकी और भी अभी जांच चल रही है कि आगे मोबाइल कहाँ बेचे जाते थे और ये शायद एक बड़ा और रैकेट सामने आने की पूरी संभावना है। मैं चैताली हिमांशु झवेरी आर्या न्यूज़ से। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा जिले से खबर सामने आई है जहां पर ग्रामीण इलाका जो पहले से ही यहां पर जंगली हाथियों का डर बना हुआ है, यहां आपको बताते चलें कि रिहायशी इलाके में भी अब हाथियों की दहशत देखने को मिल रही है क्योंकि रिहायशी इलाके भी अब हाथियों से सुरक्षित नहीं रह गए। कोरबा के हरदी बाजार क्षेत्र तक जंगली हाथी पहुंचने लगे हैं। बीती रात की घटना है जब ग्राम रेकी के लाल मठियापारा के पास लगभग एक दर्जन जंगली हाथी भटकते हुए देखे गए। एक ग्रामीण इस हाथियों की वजह से घायल भी हो गया है और ग्रामीणों ने इसकी खबर वन विभाग को दी। वनकर्मी और अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो हाथियों से बचने में सफल रहे, उनसे दूर रहें। और अब खबर रायबरेली से है जहां बॉक्सिंग में रायबरेली की अनामिका यादव को रजत पदक मिला है। मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम से खेल रही रायबरेली की अनामिका यादव ने ये जीत हासिल की। दरअसल भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल में आयोजित किए गए महामुकाबलों में अनामिका को 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में दिल्ली के याशिका टोकस ने 3-2 से हराया, जिसके बाद अनामिका को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हालांकि इससे पहले सेमीफाइनल्स में अनामिका ने पिछली बार के यूथ गेम की स्वर्ण पदक विजेता को 5-0 से हराकर फाइनल्स में स्थान सुरक्षित किया था। रायबरेली में लव जिहाद और दलित युवती से दुष्कर्म के आरोप में जेल गए मुन्ना यादव उर्फ अब्दुल खालिद को बचाने के लिए थाने में तैनात सिपाहियों का बेरहम चेहरा सामने आया है। ये मामला है सलोन थाना क्षेत्र का जहां अब्दुल खालिद नाम का ये शख्स जो कि मुन्ना यादव बनकर एक दलित युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, इसी आरोप में उसे जेल में कैद किया गया है। वो जेल में बंद है लेकिन अब्दुल खालिद के जेल जाने के बाद सलोन थाने में तैनात दो सिपाही मुकेश और अतुल कुमार पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। मुख्यमंत्री के लाख निर्देशों के बावजूद भी नहीं सुधर रहे हैं पुलिस विभाग के कर्मचारी। हाँ बात करें तो सलवन थाने के जो तैनात सिपाही अतुल कुमार और मुकेश कुमार ने दुष्कर्म के एक आरोपी को बचाने के लिए गांव के ही एक युवक को जो है ले जाकर थाने में 3rd degree का टॉर्चर दिया है। उससे भी बात नहीं बनी तो उसको लालच दिया। आपको बताते चले बीते शनिवार को मुन्ना यादव बनकर जो है दलित युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार अब्दुल खालिद को जेल भेज दिया गया है, लेकिन उसके बाद से साजिशों का सिलसिला चालू हो चुका है। दुष्कर्म आरोपियों को बचाने के लिए सलमन थाने में तैनात सिपाहियों ने कमर कस ली है और एक युवक को इतना पीटा कि आज वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आकर न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबी बख्श। नबी बख्श, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ जो है एक लड़का एक लड़की के साथ पकड़ा गया है, अब्दुल खालिक नाम है। उसके बाद हमें रात में जो उन्हें उठा लिया पुलिस, हमने कहा चलो अगर हमको कहती है लड़की तो हमें फांसी दिलवा दो। उसके बाद जो है चौकी नहीं थाने नहीं कोतवाली थाने नहीं लाए, उसके बाद सीधे लेके चले गए जो उन्हें दूसरी चौकी, वहाँ मारा पीटा। उसके बाद जो है हम कहा हमको लड़की के पास दिखा दो खाली, बस हमको कह दे बस। उसके बाद तब तक माने नहीं ना, उसके बाद जो है फिर रास्ते में ला के जो है फिर और मारा। उसके बाद जो है लालच दिए लगे कि कौन कौन सिपाही थे?
मुकेश सिपाही, अतुल कुमार, अतुल सिपाही, दो ही सिपाही और कोई कुछ नहीं कहा था। उसके बाद रास्ते में मारा पीटा, उसके बाद जो कह रहे थे कि मतलब जो है आप ऐसा करो कि अगर आपको फिर वहाँ पहचान में है आप सुलह लगवा दो, जो कहोगे आपको हम खुश कर देंगे इसको बचा। ये बात सिपाही कह रहे, सिपाही कह रहे थे दोनों, मुकेश सिपाही अतुल सिपाही दोनों कह रहे थे। उसके बाद जो है हम कहा ठीक है बात करेंगे हम वहाँ, जब हम वहाँ का हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे जल्दी कैसे क्या कर लेंगे, इतना बड़ा मामला करके रखे हैं। उसके बाद जो उन्हें फिर जो है कह रहे हैं मतलब या तो पैसा, तुम पहले पैसा मांग रहे थे या पैसा दे रहे थे, तभी से हम घर से निकले हैं, अभी हम घर गए नहीं, हमारे बच्चे परेशान हैं रो रो के, मतलब पापा का हो गया। उसके बाद जो है अगर हम जाएंगे तुमको धमकी भी दे रहे हैं, तुमको हम जेल भेज के मानेंगे, तुमको हम किसी धारा में भेजेंगे, बिना भेजे मानेंगे नहीं। आज यहाँ कहाँ पे आए हैं आप? यहाँ कप्तान साहब के आए हैं, कप्तान साहब से शिकायत की है अभी। क्या आश्वासन दिया कप्तान? कहेंगे अब नहीं सताएंगे तुमको कुछ, अपने घर जाइए तुमको कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद जो है वहाँ से अब यहाँ निकले हैं, अब उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि रात में उठा ले जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं, उठाते हैं घर से दिखाते हैं बाहर ले जाके, और उसके बाद मारते पीटते हैं, थाने तक नहीं ले जाते। तो ये नबी अहमद थे लव जिहाद के आरोपी, जो अब्दुल खालिद नाम था, वो मुन्ना यादव बनकर एक दलित युवती से दुष्कर्म कर रहा था, जिसकी शनिवार को FIR किया जा चुका है, लेकिन सलवन थाने में तैनात सिपाही अतुल कुमार व मुकेश कुमार व अब्दुल खालिद के गठजोड़ से एक युवक को आज यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुँचकर न्याय की गुहार लगाई है। देखना है इस युवक को इंसाफ मिलता है या इसको भी जो है किसी दूसरी धाराओं के तहत जेल भेजकर दबाव बनाने में सलवन पुलिस सफल होती है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला। उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर पथराव की घटना सामने आई है। बता दें कि औरंगाबाद दौरे पर आए ठाकरे के काफिले पर यह पथराव हुआ है। महाराष्ट्र के विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने बताया है कि सभा के दौरान आदित्य ठाकरे पर यह हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। जब आदित्य सभा के लिए बाहर निकल ही रहे थे तब कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर 3 से 4 लोगों ने मिलकर पत्थरबाजी की। अंबादास दानवे का यह भी कहना है कि सांबाजीनगर के स्थानीय विधायक रमेश बोरनारे ने उनका हाथ है और उसकी पूरी साजिश रची गई थी, क्योंकि उनके जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे पत्थरबाजी के दौरान। ठाकरे साहेबांचा संपूर्ण महाराष्ट्र शिवसंवाद दौरा चालू आहे, त्याच्या 7व्या टप्प्यामध्ये आज आम्ही वैजापूर तालुका संभाजीनगर जिल्ह्यातील महालगाव या गावात असताना, सभा चालू असताना या सभेमध्ये एक दगड आला, त्यानंतर सभास्थानावर आम्ही निघताना सुद्धा 3-4 दगड वाहनावर आले। या ठिकाणी मुद्दामहून काही समाजकंटक, विशेषतः या भागातील स्थानिक आमदार रमेश बोरनारे यांच्या जिंदाबादच्या घोषणा हा मॉब देत होता, आणि मुद्दामहून दलित समाज आणि हिंदू यांच्यामध्ये एक भांडण लावण्याचा प्रयत्न या मॉबमधील काही लोक करत होते, पण तो माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेबांनी या संदर्भात भीमशक्ती। अब मुंबई से सटे कल्याण में सोमवार की देर रात को एक युवक ने स्टेशन परिसर के स्काईवॉक से लटककर आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक का नाम विठल मिसाल बताया गया, जो महाराष्ट्र के बीड जिले का रहने वाला है। खुलेआम हुई इस आत्महत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक सुसाइड से पहले युवक ने सुसाइड नोट लिखा था, परिजनों को फोन करके ये भी बताया था कि वो जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करने जा रहा है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जांच जारी है। कल्याण रेलवे स्टेशन के सामने जो दीपक होटल है, दीपक होटल के ऊपर कल्याण का जो स्काई ब्रिज है उसके ऊपर सुबह करीबन 4 बजे मयत का नाम है विठल रामो मिसाल, उम्र है 25 साल, बीड जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने घर वालों को फोन करके सुसाइड कर रहा हूं ऐसा फोन किया था। ये फोन पे उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया तो वहाँ पुलिस जाके देखा तो स्काई ब्रिज को उसने हैंगिंग करके सुसाइड कर दिया था। और मुंबई के वेस्ट दूध घाटी हाईवे पर रिक्शे में सफर कर रहे एक यात्री से दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में 22 लाख रुपए लूटने वाले 3 लोगों के गिरोह को जोगेश्वरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने चाकू दिखाकर 22 लाख रुपए लूट लिए थे। पुल प्लास्टिक्स अंधेरी पूर्व मध्ये असणाऱ्या या कंपनीचा मॅनेजर दिनेश टक्कर
हा सायंकाळी ऑफिस संपल्यानंतर ऑफिसमध्ये दिवसभराचे जे कलेक्शन होता अंदाजे 22 लाख त्याचे एका बॅगमध्ये घेऊन ऑटो रिक्षामध्ये बसले होते. ऑटो रिक्षामध्ये बसून वेस्टर्न एक्सप्रेसवे नॉर्थ बाउंडमध्ये चालू ऑटो रिक्षामध्ये जात होत्या. अंदाजे मोगरा रेल मेट्रो स्टेशन याच्या जवळ आल्यानंतर अचानकपणे एक माणसं येऊन त्यांना चाकूच्या धाक धाकून त्यांच्याकडनं जे कॅश असलेलं बॅग जवळपास 22 लाख कॅश असलेल्या बॅगाने खिचून पळून गेलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्याने जोगेश्वरी पोलीस स्टेशनला संपर्क केलेला आहे. तिथं आम्ही गुन्हा दाखल करून पुढील तपास. सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड के गांव बेलदगी और गेंदे पानी चांदो और अंबिकापुर विकास खंड के अजीरमा शातिपुर के पांडो जनजाति में लोग अपनी भूमि को गैर आदिवासियों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिए जाने और कब्जाधारियों के वजह से अभद्र व्यवहार और मारपीट किए जाने को लेकर और मूल सुविधाओं से वंचित होने के कारण आक्रोशित होकर कलेक्टर जनदर्शन के कलेक्टर समेत पहुंचे. यहाँ कलेक्टर से मिलने के लिए तमाम पीड़ित पहुंचे हैं और अपनी परेशानियों से उन्हें अवगत कराने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर इन तमाम लोगों ने मिलकर नारेबाजी भी की है. और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कलेक्ट्रेट के बाहर ये तमाम लोग एकजुट होकर पहुंचे हैं. इनका यह कहना है कि मूलभूत सुविधाएं भी इन्हें नहीं मिल पा रही हैं और अभद्रता अभद्र व्यवहार और इनकी जो भूमि है वो इस वक्त खतरे में है. आए थे जिनसे उन्होंने 2-3 बिंदुओं पर मुख्य अपनी समस्या बताई. लखनपुर जनपद पंचायत के बेंदो पानी एक मोहल्ला है, वहाँ पर उन्होंने बोला कि वहाँ पर हमको जॉब कार्ड, पेंशन, सड़क, शौचालय और वन अधिकार पट्टा की समस्या है तो उसको दूर किया जाए. इस संबंध में जनपद पंचायत CO से बात हुई है. उनके द्वारा बोला गया है कि वो अपनी टीम भेजेंगे और जैसे पेंशन हो गया, जॉब कार्ड हो गया और सड़क हो गया, इसके संबंध में सर्वे करा के उसका बिल्कुल पॉजिटिव निराकरण करेंगे. साथ ही पट्टा भी अगर उनको निर्धारित. समस्या यही है सर आपकी, हमारे जो सिंधोजना तहत से कागज मिली से वो कागज हमारे कोई मनोता नहीं हुआ थे. पूरा घर बना ले इन्हें, हमारा मारपीट झगड़ा करा थे और बेटा भी और 4 बेटी है. एक बेटा तो 4 बेटी तो शादी कर ले, एक बेटा है वो विकलांग है. तो कहा हुआ ऐसे मन मारे पीटे पर करते हैं, मारते पीटते हैं, प्लस बेटी दमान मन भी रहते हैं, बेटी दमान वाला भी गाय करो. हमार मांग बहुत भीषण है कि ये शांति नगर ले अजीरमा से लेके बेंदो पानी से लेके बेलदगी में आज हमार पट्टा के जमीन है ये देख ला है ना, और चांदो में पूरा जमीन ला हमार जगह कब्जा कर ले इन्हें. जैसे अभी एगो हमार बिशुनपुर में मोर जमीन पट्टा के है और हुजूर यहाँ नौकरी करे वो मोर जमीन के पूरा हड़प ले रही. जो नौकरी करा थे ओमन के जमीन के हमन तो हड़पे नहीं जान. आज जानो के पंडोमन के जमीन पूरा हड़पाए गई से. आज एक बेंदो पानी के जमीन के पूरा हड़पाए गई से. ना हमला कोई पट्टा मिला थे, ना हमला कोई. खबर अब मुंबई के दहिसर से है जहां पर पुलिस की साइबर सेल विभाग ने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट के नाम पर डुप्लीकेट वेबसाइट बनाकर लोगों को लाखों का चूना लगाकर काम कर रहे थे. ये दोनों भाई हैं जो हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट के नाम से उससे मिलता जुलता एक दूसरा डुप्लीकेट वेबसाइट बनाकर लोगों से रिजॉर्ट की बुकिंग करवा रहे थे और बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई. इस दौरान इन दोनों भाइयों को महाराष्ट्र और गुजरात के दर्जनों लोगों को लाखों लोगों का चूना लगाते हुए पकड़ा गया है जिन पर अब कार्रवाई जारी है. दहिसर पोलीस स्टेशनच्या आधीमध्ये एक फिर्यादी महिला आहे. त्यांची सुट्टीच्या कालावधीमध्ये कुठेतरी राहण्याकरता जाण्याकरता त्यांनी बुकिंग केलं होतं. ते बुकिंगचे पैसे ऑनलाईन केलेले होते, त्यांनी पैसे भरलेले होते, ते पैसे परत पण दिले नाहीत आरोपींनी आणि त्यांना स्टे करण्याकरता जागा पण दिली नाही. ह्या संदर्भाची एक तक्रार आमच्या पोलीस स्टेशनला इकडील पोलीस स्टेशनला दाखल झालेली होती. सदरचा प्राथमिक तपास आमचे API दांडगे साहेब करत होते. नंतर माननीय और सरगुजा जिले के लखनपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटिंदा के सरपंच सचिव की लापरवाही देखने को मिली है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र वाला रोजगार गारंटी, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, वन अधिकार पट्टा से संबंधित समेत कई अन्य दस्तावेज अधजले पंचायत भवन परिसर के बाहर मिले हैं. बताया जा रहा है कि सूचना ग्रामीणों के द्वारा सरपंच और तहसीलदार को दी गई. सूचना पाकर भी नायब तहसीलदार IC यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं.
सामान साफ सफाई करें लेकिन बाहर हेरू राशन कार्ड वहाँ फार्म भरे रही वो सब रही जेल गई वहाँ। आप ये बता दीजिए ये जो जला तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कार्रवाई तो होनी चाहिए अब यहाँ से। और इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? किसको मानेंगे आप? जो भीड़ इकट्ठा हुई थी कार्ड और ये फिर किसके पास रहती है? जिसके पास रहती है पताई का कार्य और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? डॉक्यूमेंट इसमें रात और जॉब कार्ड जो वन अधिकार जो भरे थे रिजेक्ट वाला जो भीड़ इकट्ठा हुई थी। और मनेंद्रगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र के इन लोगों ने कुछ दिन पहले ही बाघ और तेंदुए के आतंक की वजह से अभी परेशान है क्योंकि कुछ दिन पहले ही बाघ और तेंदुए को देखा गया जहां पर एक और बीते एक महीने पहले तेंदुए ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया तो वहीं बीते 1 सप्ताह पहले बाघ ने एक युवक को अपना शिकार बनाकर मार डाला है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को उचित कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी की ओर से एक ज्ञापन कलेक्टर सर के नाम से दिया गया है। इसमें जंगली जानवरों के द्वारा जो जनहानि के संबंध में ये ज्ञापन है और उनके द्वारा मांग किया गया है कि इस प्रकार के जो घटना है उसमें मुआवजा वगैरह की मांग इस ज्ञापन के तहत किया गया है। इसमें डीएफओ को भी हटाने की बात इन्होंने उल्लेख किया है सर। ये ज्ञापन जो है वो मैं कलेक्टर साहब के समक्ष रखूंगा। साहब उसमें जो ज्ञापन के जितने भी बिंदु देखिए हम लोगों ने आज ज्ञापन देने आया है। सबसे इसमें मेन बात है जो आज ग्रामीणों का जान जंगली जानवरों से जा रहा है। लगातार 4 जाने जा चुकी हैं, कई लोग घायल हैं, भालुओं का हमला तमाम गाँवों में लगातार हो रहा है लेकिन जंगल विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ के जो उच्चाधिकारी हैं बिल्कुल उदासीन हैं, किसी भी तरह से ना तो जनता को जानकारी दी जा रही है ना समय रहते उनको अवगत कराया जा रहा है ना कोई मुनादी कराई जा रही है। कई प्रकार की जो समस्या है जंगली जानवरों से तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान अडानी के मुद्दे पर भी जमकर हमला बोला है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या जादू हुआ कि एक कारोबारी की संपत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया है कि इनके नेता की संपत्ति 16 गुना बढ़ गई है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बात पर सत्ता पक्ष के सदस्य भड़क गए और जमकर सदन में हंगामा शुरू हुआ लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खड़गे ने क्या कुछ कहा। 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता एक देखिए एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी 2019 तक 1,00,000 करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना क्या आप उनसे फिर क्यों साहब एक उदाहरण देता हूँ साहब आप भी आश्चर्यचकित होंगे मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला 31 पैसे। तो मैं अनेक्सर 7 पढ़ के आपको बताऊंगा
31 पैसे के लिए। अरे सुनो भाई, और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।